हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है इसके बारे में, इसमें हम लोग बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमको। ये आपका ग्रामीण केंद्रित विकास अवधारणाओं की बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल अभी चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसकी एक सामान्य पृष्ठभूमि देख लेंगे। आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना में गिरावट के कारण क्या है उन्हें भी देखेंगे। ग्रामीण केंद्रित विकास के मानक क्या हैं और ग्रामीण विकास की पुरानी अवधारणा क्या है पुरानी, उसे भी देखेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन क्या है उसे पर भी बात करेंगे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जिन पर बीजेपी राजनीति करती रहती है, यानी कि बीजेपी के आइडियल पुरुष हैं ये, समझ रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि गांधी, इंदिरा इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लिए हैं, उसी तरह ये आपके बीजेपी के लिए हैं। चलिए तो जानते हैं हम लोग। पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन तेजी से हुआ है। इसे आप लोग अपने स्तर पर भी देखते होंगे कि आपके गाँव से भी शहरों की तरफ लोग जाते हैं। इस तथ्य में किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, परंतु एक सत्य यह भी है कि वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान भारत में रिवर्स माइग्रेशन यानी कि महानगरों और शहरों से कस्बों तथा गांव की ओर होने वाला प्रवासन भी व्यापक पैमाने पर हुआ है। भारत में 4 श्रमिकों में से अनिवार्य रूप से एक प्रवासी है। प्रवासी श्रमिकों की संख्या में प्रमाणिक आंकड़ों की कमी, उनके रहने और काम करने की स्थिति और आजीविका की संभावनाओं में स्थायी अनिश्चितता को इस महामारी ने विमर्श के केंद्र में ला दिया। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ पलायन क्यों होता है। दो तीन ही सुविधाओं के लिए, एक रोजगार, दूसरा शिक्षा और तीसरी स्वास्थ्य व्यवस्था के हिसाब से, अगर ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करा देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको शहरों ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर शहरों की तरफ जाने पड़ेगा। बुनियादी ढांचा किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और किसी राष्ट्र की प्रगति की परख उसके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता से होती है। बुनियादी ढांचा निजी व सार्वजनिक, भौतिक और सेवाओं संबंधी, सामाजिक व आर्थिक किसी भी तरह का हो सकता है। आर्थिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बिजली, सिंचाई, इसी तरह की अन्य सुविधाएं शामिल हैं। जबकि सामाजिक अवसंरचना की बात करें तो इसके अंतर्गत आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और आवास शामिल हैं। एक आप समझ सकते हैं, अगर इन्हीं सभी सुविधाओं को गांव में भी उपलब्ध करवा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जाएगा अपना गाँव छोड़कर। किसी को भी पसंद नहीं है अपना घर छोड़कर जाने का, लेकिन मजबूरी होती है। जब आपके पास बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, पढ़ाने के लिए, तो आप घर छोड़कर जाना ही आपको पड़ेगा। रोजगार नहीं है आपके पास। इन क्षेत्रों के विकास के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास से निवेश दक्षता में वृद्धि होती है, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मक आती है और निर्यात और रोजगार शहरी एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है तथा ग्रामीण विकास व जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ देश को अनेक लाभ भी मिलते हैं। पृष्ठभूमि, वस्तुतः आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना से होकर निकलता है। पूर्व में आत्मनिर्भर ग्राम का सिद्धांत ही भारत को सोने की चिड़िया कहलाने का मुख्य कारण था, परंतु उपनिवेशवादी नीति ने आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना को तहस नहस कर दिया। आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर गांधी जी 1950 तक जीते, आप समझते हैं कि जैसे ही आपके देश को आजादी मिली, गांधी जी चल बसे, नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। और आप समझ रहे हैं कि 1993 में जाके पंचायतों को संविधानिक प्रावधान मिला। मुझे लगता है कि अगर वो होते तो 1950 में ही आराम से पंचायतों को संविधानिक प्रावधान मिल जाता, क्योंकि वो पंचायतों के पक्षधर थे। कालांतर में किसी लाभ के निरंतर घटते शहरों में बेहतर रोजगार की व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता, आधुनिक सुख सुविधाओं की कमी ने गांव को भारतीय आवास के केंद्र से हटाकर परिधि पर ला दिया। आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना,
ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भर विकास की आकांक्षा स्वराज के गांधीवादी मॉडल से शुरू हुई। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में, सेवाग्राम 1920, वर्धा 1938 में गांव के आंदोलनों में स्वयं को व्यस्त कर दिया। उन्होंने रचनात्मक कार्यों के एक व्यापक कार्यक्रम की कल्पना की, जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता, ग्रामीण स्तर पर एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली शामिल थी। ये 1917 का वही चंपारण सत्याग्रह है जिसमें गांधी जी यहीं से आपके फेमस होने यानी कि चर्चा में आने शुरू हुए थे। गांधी के लिए आत्मनिर्भर गांव को मॉडल का एक स्वतंत्र लोकतंत्र का आधार था। आप सब समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत यानी कि सबसे छोटी इकाई है, और इसे मालूम रहता है कि ग्राम के लोगों की यानी कि गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की क्या समस्याएं हैं। और मुझे लगता है कि आप ऊपर बैठे जो भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी कितनी भी योजनाएं लागू करें, आप समझिए अगर नीचे लागू ना हो तो उनका क्या महत्व रहता है। राजीव गांधी ने भी यही बोला था, आपने सुना होगा कि ऊपर से मैं 1 रुपया बेचता हूँ, नीचे जाते जाते 12 पैसे पहुंचता है, 10 से 12 पैसे, यानी कि बीच में लोग खा जाते हैं उसे। यही आपके अटल बिहारी वाजपेयी चल्ला चल्ला के चल बसे, लेकिन अभी तक वही तामझाम फैला हुआ है। इन सबके हिस्से रहते हैं तभी तो 12 पैसे नीचे तक पहुंचता है। आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना में गिरावट के कारण क्या है? मूलभूत सुविधाओं का अभाव। एक विचार जैसे एकेडमिक समर्थन भी हासिल था कि ग्रामीण लोगों को पानी, बिजली और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना आसान हो जाता अगर वे किसी शहर में चले जाएं। उस समय इस तरह की सोच को बौद्धिक लोगों ने भी समर्थन हासिल था। इस तथ्यात्मक तर्क के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवास को प्रोत्साहित किया गया। रोजगार का अभाव। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का सिलसिलेवार अध्ययन कर विभिन्न अर्थशास्त्रियों व समाजशास्त्रियों ने यह बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य संसाधन अब युवाओं को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कौन खेती करना चाहता है। खेती को आदमी ने अपनी बेइज्जती महसूस करने का समझ लिया है कि अगर कोई खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, तो बेइज्जती फील करता है वो। लेकिन हकीकत ये है कि कृषि करना भी बहुत बड़ा रोजगार ही है। अब ग्रामीण युवा भी शिक्षित हो चुके हैं और बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण सामाजिक सिद्धांत का एक प्रमुख पितिमान था, जिसमें महानगरों में विशाल झुग्गियों का विकास हुआ, उसी के समानांतर गांवों में कामकाजी उम्र के लोगों की कमी में समानुपात देखा गया। नीतियों का अभाव। विकास की आधुनिक अवधारणा में गांव में कोई विशेष सार्वजनिक निवेश नहीं किया जा सका, यहां तक कि चिकित्सा शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण की तेजी से निजीकरण हो गया है। गांव में काम करने की इच्छुक योग्य डॉक्टरों और शिक्षकों की उपलब्धता घट गई है, जिसके कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमजोर कर दिया है। आप समझते हैं कि कई 5-5 से 10-10 किलोमीटर तक अस्पताल नहीं है सुविधा, कई ग्रामीण क्षेत्रों में, कई में 15-20-20 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि कौन मरना चाहेगा इस समय। इसलिए सर शहरों की तरफ, इन्हीं सब जो कारक हैं, इन्हीं के अभाव के कारण लोग शहरों की तरफ जाना पसंद करते हैं। ग्रामीण केंद्रित विकास के मानकों की बात करें तो सड़कों का बुनियादी ढांचा। सड़क प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है और विकास के केंद्र में के रूप में कार्य करती है। इसके जरिए माल और किसी पदार्थों का ढुलाई, पर्यटन और संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। देश में सभी मौसमों में चालू रहने वाले मजबूत सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देने से तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ व्यापार के सुचारू रूप से संचालन तथा देश भर के बाजारों के समन्वय में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मूल उद्देश्य देश के ऐसे गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ना है जो अब तक अलग थलग पड़े थे। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपना 85% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब तक आपकी देखा जाए तो 6,68,455 किलोमीटर सड़क की लंबाई स्वीकृति की गई, जिसमें से 5,81,417 किलोमीटर की सड़कें पूरी हो चुकी थी। फिर आपका संचार अवसंरचना, ई गवर्नेंस, बैंकों, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, परिवहन,
और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में नकदी विहीन लेन देन में विकास से दूर संचार क्षेत्र में जबरदस्त तेजी आई है। दूर संचार क्षेत्र में प्रगति से स्टार्टअप्स इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी पहल के जरिए नवसृजन और उद्यमिता को बढ़ावा मिला। आज करीब 1.5 लाख ग्राम पंचायतें इंटरनेट और वाईफाई हॉटस्पॉट तथा कम लागत पर डिजिटल सेवाओं पर पहुंच बनाने के लिए डिजिटल इंडिया और भारत नेट परियोजनाओं के तहत ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा वित्तीय सेवाओं, टेलीमेडिसिन, शिक्षा, ई गवर्नेंस, ई मार्केटिंग और कौशल विकास को मंच प्रदान करने के लिए डीजी गांव की योजना भी बनाई जा रही है। रोजगार प्रबंधन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या फिर उससे अधिक मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा, पहले से आप लोग नरेगा के नाम से जानते थे, को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2010 में से नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रयासों के कारण ही मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 से मैं आपका 69,809 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खर्च किया गया, जो कि इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद सबसे अधिक है। आवास अवसंरचना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने के आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों की मदद करना है। रिपोर्ट के अनुसार PMAYG के तहत लक्षित 1 करोड़ घरों में से करीब 7.47 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। अभी कुछ शेष है। इसमें से अधिकतर घर बिहार में 26%, उड़ीसा में आपके 15.2%, तमिलनाडु में आपके 8.7% और मध्य प्रदेश में 8% है। फिर आपका स्वच्छ भारत अभियान, वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान लोगों में स्वच्छता, आरोग्य और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्रांतिकारी पहल। याद रखिए, ये सफल भी रही है। आप देख रहे होंगे 2014 के बाद से कितना बदलाव देखा गया। इसमें शानदार प्रगति हुई है। वर्ष 2018-19 तक देश भर के 85% इलाके को इसके दायरे में लिया जा चुका था। 391 जिलों के 3.8 लाख गांव को खुले में शौच की बुराई से छुटकारा दिलाया जा चुका था। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण अभियान के तहत 2018 तक 7.4 करोड़ अधिक निजी घरेलू शौचालय बनाए जा चुके थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2018 तक शौचालयों के निर्माण का 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया। लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने घर में निजी शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता में बदलाव आने और शौचालयों की सामाजिक स्वीकारता बढ़ाने से लोग कूड़े कचरे के निपटान के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे हैं। आप समझ रहे होंगे, अभी भी आप देख रहे होंगे आपकी द्वार द्वार आती हैं कचरा उठाने वाली गाड़ियां, फिर भी हम लोगों में अकल, हम लोग कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हैं। फिर भी आप सुबह से निकलिए अपने शहर में, रोड पर कचड़े के ढेर लगे मिल जाएंगे, गाड़ियां भी आती हैं, पूरी सुविधा भी दी जा रही है, फिर भी आदमी सुधर नहीं सकता। तो याद रखिए कि जब तक सरकारें कुछ भी करें, अगर आपकी जिम्मेदारी आप नहीं समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम पूरा हो सकता है। आपने देखा है कि आपके लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, आपके लिए अगर मौलिक अधिकार भी है तो आपके कुछ कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, इन्हें समझा करिए। ग्रामीण विकास में पुरा की अवधारणा, गांव के विकास के लिए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पुरा का विचार प्रस्तुत किया, जिसके तहत 4 प्रकार की ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी की बात की गई। इसमें फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नॉलेज तथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की बात की गई थी। पुरा का लक्ष्य सभी को आय और जीविका के अवसरों की गुणवत्ता प्रदान करना था।
इसके द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्रति यूनिट 130 करोड़ रुपए की लागत से 70,000 पुरा परिसरों की कल्पना की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन पुरा के अंतर्गत विनिर्धारित सफलता न पाने प्राप्त कर पाने और गांव शहरों के बीच अंतर बांटने की आवश्यकता के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा बजट 2014-15 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्रस्ताव रखा गया। सितंबर 2015 को ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत अगले 3 वर्षों में 300 क्लस्टर्स विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। एक क्लस्टर्स भौगोलिक रूप से नजदीक कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाए जाएंगे। इन क्लस्टर्स के चयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तैयार करेगा, जिसके तहत जिला, उपजिला, एक गांव के स्तर पर तक विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या, आर्थिक संभावनाएं, क्षमताओं, पर्यटन इत्यादि का विश्लेषण किया जाएगा। निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है लास्ट में, भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति काफी चिंताजनक है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का काफी महत्व बढ़ जाता है। अभी भी स्वच्छ प्रकृति, सामाजिक सद्भाव, कम व्यय क्षमता के कारण गांवों की प्रासंगिकता बरकरार है। यदि सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की जाए तो ग्राम सभाएं आज शहरों की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक होंगी। अगर ये 2-3 फैक्टर हैं जो इन्हें उपलब्ध करा दिया जाए तो मुझे लगता है कि शहरों से बेहतर आपके गांव रहेंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी ग्रामीण केंद्रित विकास की अवधारणा।